नमस्ते, आप सभी कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप सभी ठीक से होंगे। आज हम यहीं पे छोड़ दे रहे हैं आधा चम्मच साबुत जीरा। जीरा पानी उबल रहा है हमारा। विनेगर, बीस मिनट भिगोए हो चुका अपना चावल, अब हम उबले हुए पानी में छोड़ रहे हैं। चावल अपना पक चुका है, अब हम इसे छान के निकाल लेते हैं। अब हम अपने चावल को आराम करने के लिए यहीं पर रख देते हैं। अब इधर चलते हैं, अगला प्रोसेस करेंगे। गाजर, शिमला मिर्च, बोड़ा, आप कुछ भी सब्जियां ले सकते हैं, हम यही तीन सब्जी लिए हुए हैं। पुदीना, हम सब्जी में डालेंगे धनिया पाउडर। मिर्चा पाउडर, बटर, घी, आप चाहो तो खाली बटर में बना सकते हो, खाली घी में, तेल में भी बना सकते हो बिरयानी। बटर हमारा गल गया है, अब हम इसमें छोड़ेंगे जीरा। अब हम सब्जी में छोड़ेंगे जीरा, हल्दी पाउडर, लौंग, इलायची, दालचीनी, बिरयानी मसाला, नमक, अदरक लहसुन, धनी पत्ती, टमाटर, हरी मिर्च कटी हुई, हम सब एक साथ मिक्स कर लेते हैं। आप दही भी मिक्स कर सकते हो, हम नहीं डाल रहे हैं दही, आप एक कटोरी दही डाल सकते हो। दही हम खाते नहीं हैं, इसलिए हम दही नहीं छोड़ रहे हैं, आप दही भी छोड़ सकते हो। मटर हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसी में तो छोड़ेंगे। घी बटर में बिरयानी बहुत ही टेस्टी बनता है। बाउल में हमारे जो मसाला लगा हुआ था उसी में हम पानी छोड़ के मसाले को एक साथ छोड़ दे रहे हैं। देखिए हमारा खिला खिला बढ़िया बासमती चावल है, अब हम इसको अपनी सब्जी में छोड़ेंगे, इसे फैलाएंगे। तभी बिरयानी लाजवाब बन के रेडी होगी। भुने हुए प्याज को छोड़ेंगे, इससे तो टेस्टी बहुत अच्छे से टेस्ट आएगा।
हम फिर चावल छोड़ेंगे। हम फिर से प्याज छोड़ेंगे। फिर हम अपने चावल को छोड़ देते हैं। अब हम यहीं पे छोड़ेंगे एक चम्मच घी। बिना घी के बिरयानी नहीं अच्छी लगेगी। स्लो फ्लेम पे 10 मिनट हम पका लेंगे। अब हम अपनी बिरयानी को एक साइड से निकाल लेंगे। खिला खिला बिरयानी। प्लीज़ आप लोग भी वेज बिरयानी बना के ज़रूर खाइए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।